हमारी जो चाइल्डलाइन है जनपद की 1098, इसके माध्यम से हमें सूचना मिली। समन्वयक चाइल्डलाइन दिवाकर ओझा ने बताया कि एक माखी थाना क्षेत्र के अंतर्गत दो बच्चियों की शादी हो रही है, जिस पर तत्काल कार्रवाई करते हुए जिला प्रशासन अधिकारी महोदया से आदेश लिया गया कि हम जाएं और बाल विवाह पर रुकवाएँ। मैम ने तुरंत आदेश किया कि आप लोग मौके पर जा करके यथास्थिति का पता लगाएं। उसके क्रम में बाल संरक्षण अधिकारी उन्नाव, काउंसलर कल्पना श्रीवास्तव, हरबेंद्र सिंह सामाजिक कार्यकर्ता, दिवाकर ओझा चाइल्डलाइन समन्वयक, दिव्या अवस्थी, हम लोग माखी थाने गए। माखी थाने से पुलिस बल लेकर के उक्त बालिकाओं के जो पता बताया गया था निवास स्थान पे गए। वहाँ पे जा करके शादी की तैयारियाँ चल रही थी, उनके माता पिता से वार्ता की गई। बालिकाओं के माता पिता ने बताया कि हमारी बालिकाओं की शादी है। उसके बाद बालिकाओं से वार्ता की गई, दोनों बालिकाओं ने बताया कि हमारी शादी अलग अलग जगह से। कितनी उम्र होगी? अब चूंकि उम्र के संबंध में हमें उन्होंने कोई भी शैक्षिक प्रमाण पत्र नहीं दिखाए, जबकि लड़कियां से वार्ता की गई, उनकी काउंसलिंग कराई गई, तो उन्होंने बताया कक्षा 9 तक हम पढ़े हुए हैं, उनके घर पे कोई भी साक्ष उपलब्ध नहीं थे, इसलिए उनको बताया गया कि बाल विवाह नहीं करना है, उनकी काउंसलिंग कराई गई, उनके माता पिता की काउंसलिंग कराई गई, खुद दोनों बच्चियों की काउंसलिंग कराई गई। काउंसलिंग कराने के उपरांत उनके माता पिता ने कहा कि हम कल सुबह स्कूल से इसके शैक्षिक प्रमाण पत्र निकालते हैं, अगर हमारी बालिकाएं नाबालिग हैं तो हम इन बालिकाओं की शादी तब तक नहीं करेंगे जब तक के बालिग नहीं हो जाएंगी, इत्यादि चीज़ें बताई गईं। उनके पिता द्वारा आश्वासन दिया गया कि हम कल सुबह 11 बजे